प्रधानमंत्री महोदय आज बुला बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों से, बीजेपी को लोगों ने मान लिया कि ये झूठ बोलते हैं। तो हरियाणा में कहावत होती है कि इस बार रोटी पलट देंगे, तो लग रहा है राजबब्बर रोटी पलट देंगे। लोगों को चाहिए कोई उनकी बात सुनने वाला हो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सेंटर की योजनाएं तो घर घर पहुंची हैं। लोग इनको समझ रहे हैं कि इनके पास में कहने को कुछ नहीं है, किया इन्होंने कुछ है नहीं, देने को कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कोई नैरेटिव सेट हो पाया बीजेपी की तरफ से? इस देश में चुनाव में जो नैरेटिव चल रहा है वो राहुल गांधी की पर्सनैलिटी का। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र मुर्गा मछली मुगल ये सब शुरू हो गया। पब्लिक है वो ना, पब्लिक है सब जानती है। तो इस बार जो पब्लिक जो है वो कुछ छू नहीं कर रही है। नमस्कार आदाब, मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आज मेरे साथ एक बेहद खास शख्सियत हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, कई बार के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और उनकी वजह से उनके आने से गुरुग्राम का जो कॉन्टेस्ट है वो बेहद दिलचस्प हो गया है इस लोकसभा चुनाव में। मेरे साथ राजबब्बर साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजबब्बर साहब आपका। शुक्रिया आपका, नमस्कार। गुड़गांव को आपने चुना, पार्टी का आदेश था या गुड़गांव के लोगों की ये चाहत थी कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें, तो इसके बारे में बताइए। देखिए ये बहुत ही मिश्रित सी बात आपने कही है। मेरा यूपी में चुनाव जो था वो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल रीजन से मैं वहाँ चुनाव में खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टाइम लग रहा था मुझे। और उसके बाद में मुझे तीन क्षेत्रों का ऑफर हुआ था, जिसमें पंजाब था और जिसमें हरियाणा था जी। तो हरियाणा और बम्बई, बम्बई के अंदर थोड़ा सा इशू था मेरा, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई मुझे हरियाणा के अंदर, तो पहले शायद कुरुक्षेत्र में मेरी बात हुई थी जी, फिर वो शायद सीट दे दी गई। अच्छा, हमारे साथी हैं, हमारे आपके साथ भी बैठे हैं चिरंजीवी जी, ही इज एमएलए फ्रॉम रेवाड़ी है और कैप्टन अजय यादव जी के साहबजादे हैं ये। तो हरियाणा में कहावत होती है कि इस बार रोटी पलट देंगे, तो लग रहा है राजबब्बर रोटी पलट देंगे इस बार। मैं तो इन लोगों के भरोसे चुनाव में, और यकीन मानिए जनता चुनाव लड़ रही है, ये गलतफहमी में ना मुझे हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को चाहिए कोई उनकी बात सुनने वाला हो, क्योंकि सेंटर की बहुत सारी ऐसी योजना है। अब ये हमारे जो भाइयों के तेरे छोटे भाई हैं हमारे, बल्कि भतीजे हैं हमारे और दामाद भी हैं तो ये जो है इनको जो सेंटर की योजनाओं में नहीं मिलता, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सेंटर की योजनाएं तो घर घर पहुंची, हर घर नल पहुंचा, गरीबों को राशन मिल रहा है ये प्रधानमंत्री का अपना वक्तव्य है, अपना उनका वक्तव्य नैरेटिव है, लेकिन जमीन पर वो नजर नहीं आ रहे हैं और ये इसका असर जो है इस चुनाव में नजर आया। नैरेटिव बनाने की कोशिशें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कोई नैरेटिव सेट हो पाया बीजेपी की तरफ से? मेरे ख्याल से बीजेपी को लोगों ने मान लिया कि ये झूठ बोलते हैं, और यही वजह है कि अब जो है आपने तीन चरण का इलेक्शन देख लिया है, अब आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। शुरुआत में जो चुनाव से पहले जब नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, चुनाव का अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, उस समय कुछ और बातें थी, लेकिन दूसरे चरण के बाद जैसे ही गियर चेंज हुआ चुनाव का, ऐसा लगा मानो पूरा चुनाव शायद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र मुर्गा मछली मुगल ये सब शुरू हो गया। इन चीज़ों पे अब लोगों को इन्होंने इतना इसको निचोड़ लिया है कि अब लोग इनको समझ रहे हैं कि इनके पास में कहने को कुछ नहीं है, किया इन्होंने कुछ है नहीं, देने को कुछ नहीं है। तो आज जो है इनकी जो हालात है, अब देखिए ना, मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री महोदय आज बुला बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों को। हाँ हाँ, हमने भी देखा बहुत सारे और बहुत 10 साल से। अच्छा, ये तो ट्रेंड है कि जिस दिन चुनाव होता है
जिस दिन कहीं पर वोटिंग होती है उस दिन ये प्रधानमंत्री करते हैं कि या तो बहुत बड़ा एक रोड शो कर देंगे या कोई ऐसा इवेंट कर देंगे कि सारा दिन टेलीविजन पर चले वो, तो इस तरह तो वो पहले भी करते रहे हैं। देखिए ये तो स्ट्रेटेजी है, इसके लिए मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि सही गलत क्या है, बिकॉज वो स्ट्रेटेजिक वे से उनकी स्ट्रेटेजी है। इलेक्शन कमीशन के सभी साथी जी उनकी जो लोग हैं कुछ मदद भी हो जाती है उनकी, तो कहाँ इलेक्शन है कहाँ नहीं है, तो एक ही जिले में दो तो उस तरह से पड़ोस के जिले में जाके वो उसका पिछड़ा अगले उसमें चरण में होता है तो वो आराम से उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये वेरी स्ट्रेटजिकली एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट, ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन। जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया, उन्होंने कहा कि मुझसे डिबेट करें प्रधानमंत्री, वो मेरे सामने आए बैठे और मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको कि वो मेरे साथ डिबेट करें, कितना अपीलिंग लोगों के लिए है उनका इस तरह का रूप राहुल गांधी का जो हम पिछले 6 महीने से बल्कि देख रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी ने अब वो राहुल जी के नैरेटिव का जवाब दे रहे हैं, और इस वक्त जो इस वक्त देश में चुनाव में जो नैरेटिव चल रहा है वो राहुल गांधी की पर्सनैलिटी का, राहुल गांधी की जो इश्यूज जो है और जो उन्होंने इश्यूज उठाए जो उन्होंने कहा वो सच निकल रहा है, तो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होगा राहुल गांधी जी के लिए। प्रियंका गांधी भी चुनाव मैदान में हैं, अमेठी से सुना था कि उनका टिकट होगा या वो चुनाव लड़ेंगी, उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये दो सीटें अमेठी और रायबरेली बड़ा प्रभाव डालती हैं? आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े हैं, 5 बार सांसद रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के, क्या लगता है आपको ये जब कोई बड़ा नेता होता है, जैसे आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक ऑरा क्रिएट होता है आसपास की सीटों पर, क्या रायबरेली अमेठी ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में कहा जाए? राहुल जी के लिए और एक तरह से परिवार ही है अमेठी में केएल शर्मा, जो बहुत दिनों से पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं और इस तरह के पहले भी प्रयोग हुए हैं, यशपाल कपूर साहब जो रायबरेली से लड़ते थे, तो ये एक ये दोनों सीटों के लिए, अब दोनों सीटें कहूँ क्या, मतलब सारा हिंदुस्तान ही उनका परिवार है, लेकिन वो ये दो सीट लोग मानते हैं कि इस परिवार की है और उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा राहुल जी के वहाँ होने से, के एल शर्मा साहब के वहाँ से होने से बहुत बड़ा इसका असर होगा। और पूरे यूपी के अंदर जैसे जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ यूपी के अंदर एक लहर आई, और आप देखिए यूपी के अंदर रिजल्ट जो है बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत लहर है। लेकिन मैंने ये महसूस किया बब्बर साहब के 2014 का चुनाव भी मैंने देखा कवर भी किया, 2019 का भी देखा कवर किया, इस बार का चुनाव में मैं किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ कोई लहर नहीं देख रहा, साइलेंट है जो वोटर है वो साइलेंट है, इसका क्या अंदाजा आप लगा रहे हैं? वोटर जब साइलेंट होता है तो उसके लिए आप देखिए 2014 में लहर थी, खुली लहर थी, अन्ना आंदोलन के बाद का मामला था और उसके बाद क्योंकि उन्होंने इस तरह का शोर किया था जी। अब 2004 में क्या था? 2004 में भी लहर थी, किसकी? भारत उदय, इंडिया शाइनिंग, इस तरह की लहर, किसकी लहर थी? बीजेपी की ना। हाँ बीजेपी की लहर थी ना, तो आज भी लहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हुआ? नहीं आज मैं वही देख रहा हूँ, कोई लहर नहीं है सच में, क्योंकि ग्राउंड में भी गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये जनता है, ये पब्लिक है, ये गाना है ना, पब्लिक है सब जानती है तो इस बार जो पब्लिक जो है वो कुछ चूक नहीं कर रही है, और आपको हर चरण में नजर आ रहा है, आपके सारे सर्वे हो गए पिछले 3 के, अब इसको देख लीजिएगा, इसके भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा बब्बर साहब, एक अब थोड़ा जाती सवाल भी आपसे कर लूँ, बहुत सारे फिल्मी सितारे आते हैं सियासत में, हमने देखा कि बहुत सारे पहले भी आते रहे हैं, धर्मेंद्र भी, हेमा मालिनी भी, अमिताभ बच्चन भी आए, और शत्रुघ्न सिन्हा आए, विनोद खन्ना साहब स्वर्गीय आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई मकाम सियासत में हासिल नहीं कर पाए। आप टिके, आप और शत्रुघ्न सिन्हा दो अगर मैं नाम लूं, तो आप टिके और आपने काम किया और आपने यहाँ पर भी सक्सेस हासिल की, क्यों, क्या वजह है कि बहुत सारे फिल्मी सितारे आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते हैं सियासत में?
देखिए, ये सिर्फ आप फिल्म वालों पर ही ना तारीफ करें, पर हर प्रोफेशन में लोग होते अच्छा। हैं, और खासकर जो इस तरह की बैकग्राउंड से हो, जो नॉन बैकग्राउंड है या सेलिब्रिटी जिसको आप कहते हैं, इस तरह के जब लोग आते हैं तो उसमें कुछ ही लोग रह जाते हैं। उसका वजह ये होती है कि ये जिंदगी जो है थोड़ी सी उस जिंदगी से थोड़ी अलग है, बहुत ग्लैमरस है ये भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बीच में हैं, लेकिन ये ग्लैमर थोड़ा सा लोगों को समझने का है जी। वहाँ जिंदगी को आप अपने खेल से वाकिफ हैं, तो खिलाड़ी हैं तो आप खेल को समझते हैं, अगर आप सिनेमा में हैं तो अपने आप प्रोफेशनल जो भी आपकी एक्टिंग है या जो तमाम चीज़ें उनको समझते हैं। लेकिन ये यहाँ हर रोज आपको एक एक्टर के लिए ना सबसे बड़ा जो लेसन होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन, और उसी से अपनी सारी जिंदगी चलाता है। आपको कितना फायदा मिलता है जब आप चुनाव लड़ते हैं, अभिनेता होने का कितना फायदा मिलता है? मैंने शायद जिंदगी के अंदर मैंने अब तक जो काम किया है सिनेमा में, 10 साल पहले तक मैं सिर्फ किताबें और लाइनें, स्क्रिप्ट और उसके अंदर देखता था, और जो कुछ ही ढूंढता था मेरे उस स्क्रिप्ट में से ढूंढता था। लेकिन अब मैं जब से सक्रिय राजनीति में हूँ, मैंने जिंदगियों को ऑब्जर्व किया है अच्छा, और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो बहुत ख्वाहिश है मुझे कभी करने का मौका मिलेगा तो करूँ। बड़े कई बार चैलेंजिंग चुनाव हुआ है, वो भी आपने जीता है। हमने देखा था जब कांग्रेस पार्टी, आप समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए थे, और फिर डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वहां से आपने जीता था चुनाव। बड़ा चैलेंजिंग चुनाव रहा होगा। नहीं सर, मैं बहुत इसको साफ कर दूं, मैं ये मुलायम सिंह जी के परिवार से कभी कोई महिला नहीं लड़ती जी। वहां पर कल्याण सिंह जी के बेटे का नाम आ रहा था राजू अच्छा। का, और मेरी पार्टी ने मुझे 26 अगस्त को अनाउंस कर दिया, टिकट हुई। लेकिन वो उनके यहाँ एक स्ट्रेटेजी प्लान करने वाले एक साहब थे, जिनकी वजह से मैं पार्टी से भी बाहर निकला था। तो उन्होंने, अमर सिंह जी वो कह रहे, अब बेचारे नहीं है दुनिया में, तो मैं उनके लिए अच्छा ही सोचा। तो मैंने उनसे कहा भी, बीमार हो गए थे बहुत, कि भाई हम लोग अब बिल्कुल आपस में कुछ ना रखें, ऐसी बात, आई एम फॉर यू, आई एम वेल विशर ऑफ यूर्स। और खैर उन्होंने डिंपल जी को सामने कर दिया अच्छा। और उनके पास में कम्बिनेशन ये था कि डिंपल ठाकुर हैं, राजपूत हैं, और यादव जब आए हैं तो उसका फायदा मिलेगा। तो उनका अनाउंसमेंट हुआ था 4 सितंबर को अच्छा। तो समाजवादी पार्टी ने मेरे सामने उनको खड़ा किया था, और मेरी बच्ची की तरह हैं, जूही की दोस्त भी हैं, मतलब ये परिवार जो मेरे लिए आज भी परिवार है। और इसीलिए मैंने जो अगला चुनाव था 2014 में, तो मैंने पता करने की कोशिश की, रामगोपाल हमारे साथ में होते जी जी हाउस में, तो मैंने कहा कि मैंने कि रामगोपाल जी से, मैंने रामगोपाल जी कोई परिवार से तो डर रहा है इस बार अच्छा, पहले पूछा था आप? हाँ, मैंने पूछा जब 2014 का चुनाव आया, 2013 के एंड में अनाउंस, जब इलेक्शन अनाउंस हो गए उससे पहले मैंने पूछा, मगर रामगोपाल जी मित्र थे हम लोग पारिवारिक, तो मैंने कहा कोई परिवार से तो नहीं आ रहा, तो मैंने कहा तुम्हारा भतीजा आ रहा है अच्छा। दिग्विजय सिंह जी साथ खड़े हुए थे, वो इंचार्ज भी थे, मैंने कहा भाई साहब मैं फरीदाबाद से चुनाव में खड़ा नहीं हुआ अच्छा। तो हंसने लग पड़े, क्यों? मैंने कहा क्योंकि जिस परिवार ने, जिस मुलायम सिंह यादव ने मुझे सक्रिय राजनीति में लाए, मैं ये सुना, आप शूटिंग कर रहे थे, मुलायम सिंह जी का फोन पहुंचा और आपको एकदम बुलाया कि आपको चुनाव लड़ना है जी। इसी तरह का कुछ वाकया हुआ था? मेरा तो, मैं तो प्रचार करके निकल गया था, मेरा कोई इरादा नहीं था सक्रिय राजनीति में आने का। अब क्या देख रहे हैं आप ओवरऑल, अगर मैं आपसे आखिरी पूछूं, पूरा जो चुनाव है, अपने चुनाव के अलावा पूरे देश में किस तरह की लहर है, और क्या उम्मीदें हैं बतौर एक कांग्रेस नेता के आपको? सर, मैं बहुत हलीमी से कहूँगा, और ये चीज़ लोग इस बात को देख रहे हैं, इस पर सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लोगों को तो एक ऑल्टरनेट मिल गया है, एक विकल्प मिल गया है, और लोग उस विकल्प की तरफ जा रहे हैं।
गुड़गांव की अगर बात करें, क्योंकि हम जितना देख पा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपको, मैं जितना देख पा रहा हूं तो इस वक्त टक्कर यहां पर बहुत अच्छी फाइट हो रही है गुड़गांव में, क्योंकि जेजेपी के भी अपने कैंडिडेट हैं, बीजेपी के अपने कैंडिडेट हैं, एक तरफ आप हैं और आप बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट, थैंक यू। राज बब्बर यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा वैसे, बाय द वे यहाँ की जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है, और यकीन मानिए जो मैं कह रहा हूँ इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप वो फील देख रहे होंगे जब आप वहाँ पे थे, द पीपुल आर कमिंग, दे डोंट बिलोंग टू ए पार्टी कांग्रेस, द पीपुल आर कमिंग। व्हाई दे आर कमिंग कि साहब कभी आए नहीं, कभी मिले नहीं 10 साल से, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि साहब 18 साल 20 साल के लड़के को तो पता भी नहीं जो वोट डालने जाते कि उसका सांसद कौन था। हाँ, ये तो यहाँ पर एक आम धारणा है बनी हुई सांसद के बारे में यहाँ के। तो अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि साहब अब उन्होंने गांव गांव घूमना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है ये नेचर में होती है। मैंने जो 3 बार जहाँ सांसद रहा हूँ, आज भी लोग वहाँ, जब लास्ट डे था जब पर्चा भरने का, मैं लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैं आऊँगा लास्ट डे तक, मैं जब नहीं गया तो अगले दिन के जितने भी अखबार थे, अंग्रेजी के हो, टाइम्स हो, चाहे हिंदी के सारे अखबार, वो लिखा मतलब गलब लबाव ये था, 8-8 कॉलम की न्यूज़ थी कि 26 साल के बाद राज बब्बर अब आगरा की राजनीति में नहीं है जी। तो ये यही कमाया बस जी, लोग आज भी याद करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी इज्जत कमा पाते हैं राजनीति में, और आप उनमें से एक हैं। बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राज बब्बर साहब, गुड़गांव से प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के लिए गुड़गांव से कह रहे हैं कि न सिर्फ गुड़गांव बल्कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस इस बार सरकार बना रहा है। सरकार जो मौजूदा है वो जा रही है, लोगों के पास अब एक विकल्प है। नमस्कार।